हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर और अ डेसिमल। ओके, मीन्स डेसिमल का आपको मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से या डेसिमल का डेसिमल से। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पे फर्स्ट दिया है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.002। यहाँ पे जो वन प्लेस में है दिख रहा है, यहाँ पे फोर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे टू है, तो 2 4 8 यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद जो डेसिमल के राइट साइड में होते हैं, यहाँ पे वन डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो टोटल यहाँ पे हो गया, प्लस करना है 4 प्लस 1 1 प्लस 3 4। ओके, तो यहाँ पे 8 से स्टार्ट करना है। 8 आपका आंसर आया था, 8 0 0 0 पॉइंट, उसके बाद 0, तो आपका आंसर बन गया 0.0008। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 0.00874 मल्टीप्लाई बाय 0.039। यहाँ पर आपको सिंपली 874 मल्टीप्लाई बाय 39 का मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे आपको एडिशन का सिंबल आएगा। ओके, और यहाँ पे जो आएगा क्रॉस जीरो आएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आया 34086। अभी आप डेसिमल पॉइंट कैसे दोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 5 प्लेसेस है और यहाँ पे 3, तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपको डेसिमल पॉइंट का एडिशन करना है। 5 प्लस 3 हो गए 8, तो आंसर में आपको जब डेसिमल स्टार्ट करोगे, आंसर मिल गया था 34086। 6 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट देना है, उसके बाद कोई नंबर रहेगा तो नंबर रहेगा, नहीं रहेगा तो 0 देना है। यहाँ पे 3 0 यहाँ पे ऐड किए गए। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0.00034086, ये बन गया आपका आंसर। आफ्टर दैट वी स्टार्ट सेल्फ प्रैक्टिस 2i। यहाँ पे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई 1 2 3, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, ये 0.007 मल्टीप्लाई बाय 5, और दूसरा मैंने सॉल्व करके दिया है 0.009 मल्टीप्लाई बाय 0.7। यहाँ पे देखो अच्छे से, सबसे पहले है 0.007 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 5 35 आता है। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेस लिया है, यहाँ पे 3 है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं, दैट मीन 0, 3 प्लस 0 3, अभी डेसिमल पॉइंट देंगे 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 दिया, तो उसके बाद पॉइंट, मीन्स आंसर मिल गया 0.035। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बी 0.009 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो 7 9 63 आता है, तो पॉइंट कैसे देना है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे 1 है, 3 प्लस 1 4 होते हैं, यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट देंगे 1 2 3 4, पॉइंट आ गया, इसके बाद 0, तो इसका आंसर मिल गया 0.0063। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई के आंसर देखना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 39.6 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आपको सिंपली 396 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, इसका आंसर आएगा आपका 3168। उसके बाद पॉइंट कैसे देना है, पॉइंट देते वक्त आपको सीधा आंसर में ही पॉइंट देना है,
यहाँ पे पॉइंट के बाद एक प्लेस है और यहाँ पे पॉइंट के पास एक प्लेस है, तो यहाँ पे हो गए दो प्लेस, हो गए ना टू प्लेस। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सिक्स, ये वन हो गया, ये टू, उसके बाद पॉइंट, ठीक है। तो इसके आंसर मिल गया 31.6। ओके, उसके बाद आपका आता है थ्री। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करते वक्त सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई किया था आपका क्वेश्चन से 1.025 मल्टीप्लाई बाय 0.0048। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद थ्री प्लेसेस है और ये नंबर पे फोर प्लेसेस है, तो टोटल हो गए सेवन प्लेस। आंसर आएगा आपका सेवन प्लेस के बाद पॉइंट देना है आपको, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किया था 1025 मल्टीप्लाई बाय 48 का ही किया था मैंने। ओके, इसका आंसर आपका आया था 49200 आया था। तो आपको अभी पॉइंट देना था सेवन प्लेस के बाद, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके बाद पॉइंट और जीरो। तो आपका आंसर मिल गया था 0.004920। इस तरह से आपको सेल्फ प्रैक्टिस 2I के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके।